हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। इस वीडियो में मैं एम्स की जो कट ऑफ रही है उसका पूरा एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। 2020 से लेकर 2023 तक क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, वो पूरा देखेंगे और कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स रहे हैं अलग अलग एम्स कॉलेजेस के लिए, तो वो पूरा इसमें डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही आने वाले साल 2024 में 2025 में एम्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है सभी नीट एस्पायरेंट के लिए। दो जो स्टूडेंट 2024 में नीट देने वाले हैं या फिर 2025 में, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एम्स की जो कट ऑफ रहती है, जैसे एक ट्रेंड बना हुआ है, बहुत से बच्चों को ये पता है कि एम्स मतलब 650+ ही होना चाहिए या फिर 700 के अराउंड होना चाहिए तभी मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ एम्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपके मार्क्स 650 तक भी हैं तब भी आपको उनके मिलने के चांसेस रहते हैं। अब वो क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस हैं और क्या कट ऑफ रहती है कैटेगरी वाइज, वो सब मैं इसमें बताऊंगा और जो आने वाला ट्रेंड रहने वाला वो भी यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एम्स कट ऑफ जो नीट की रही थी 2020 में, तो यहाँ पर पहले जैसे पेपर का लेवल जो है थोड़ा टफ रहता था, तो पहले के मुकाबले 2019 के मुकाबले 2020 में थोड़ा हल्का रहा था पेपर का लेवल, उस वजह से यहाँ पर आपको कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। जो एम्स दिल्ली की जनरल के लिए कट ऑफ रही थी वो 705 मार्क्स पर रही थी, इससे पहले कभी भी इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ था। और इसके बाद लगातार आप देखेंगे आने वाले सालों में जो कट ऑफ रही है वो बढ़ती रही है। तो अनरिजर्व के लिए 705 पर मिला और EWS के लिए 695 और OBC के लिए 691, SC के लिए 675, ST के लिए 660। ये एम्स दिल्ली की बात है, जो सबसे पहले कोई भी नीट एस्पायरेंट है वो अपने आप को लेकर चलता है एम्स दिल्ली के लिए और फिर उसके बाद उसको दिखता है कि उसकी एक्चुअल औकात कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अभी तक तैयारी बहुत अच्छे से की है, प्रिपरेशन पूरी अच्छे से की है, तो आपके इस मार्क्स भी इस रेंज में आएंगे। तो ये एक रियलिटी चेक के लिए वीडियो है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको इस रेंज में मार्क्स लाना है तभी आपको एम्स मिलेगा। अगर आप सिर्फ ये सोच के चलें कि मुझे सिर्फ एम्स चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा किस रेंज तक आपको मार्क्स का टारगेट लेके चलना है तब आपको एम्स मिलेगा, और अगर आप उस मार्क्स तक तैयारी नहीं करेंगे, उस मार्क्स को लाने की कोशिश नहीं करेंगे नीट में, तो आपको कैसे एम्स मिल जाएगा। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि जो आप एम्स की ख्वाहिश रख रहे हैं वो कितने मार्क्स पर मिलेगा, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। और मेरे हिसाब से अभी जो टाइम चल रहा है अभी नीट में 2024 के लिए लगभग 3 से 4 महीना है, अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है 11th और 12th का वो पूरा हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिविज़न बाकी रह गया है, तो यहाँ पर इसका मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं और आप एम्स तक जाने में बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, जैसा मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है और बाकी अदर स्टूडेंट का जो हमारे फ्रेंड्स लोग भी एम्स में गए हैं उन सबका। तो अगर आपका 2-3 महीने पहले सिलेबस कवर हो जाता है और आप इस बीच में जो बचा टाइम है मल्टीपल रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है एम्स के मार्क्स तक पहुंचने की। एम्स भोपाल की वहीं बात की जाए तो 681, एम्स भुवनेश्वर भी 681 पर रहा था जनरल के लिए, और बाकी अदर कैटेगरी का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ट्रेंड मैं यहाँ पर जनरल को लेकर बता रहा हूँ, बाकी ट्रेंड अदर जो कैटेगरीज़ हैं उनका भी सेम रहने वाला है, मैं आगे बताऊँगा। एम्स ऋषिकेश का 675, एम्स रायपुर 670, एम्स पटना 665, एम्स जम्मू का 628। तो यहाँ पर ये रहा जनरल के लिए, तो अगर आप देखेंगे 628 भी किसी स्टूडेंट के तो एम जम्मू उसको मिल गया था, ठीक है। ये है 2020 की बात रही। फिर उसके बाद अगर देखेंगे 2021 यानी जो हमारा बैच था उस टाइम पे 2020 के मुकाबले भी थोड़ा सा लेवल जो है पेपर का इजी हो गया था, हालांकि फिजिक्स थोड़ी सी टफ रही थी लेकिन बाकी पोर्शन जो बायो वाला था वो और ईजी हो गया था, उसकी वजह से कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बढ़ गई। एम्स दिल्ली की देखेंगे पहले 705 पे मिले बंद हुआ था और यहाँ पर जनरल के लिए 706 हो गई 2021 में, और जबकि स्टूडेंट भी 2021 के अंदर बढ़ गए थे। तो ये तो आप मान के चले हर साल जो स्टूडेंट हैं नीट में वो बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी भी लगभग 2023 में जो आप देखेंगे तो लगभग 22 लाख स्टूडेंट बैठे थे, तो ये नंबर कम होने वाला नहीं है नीट के केस में। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि अभी जो AI आ गया है मैथमेटिक्स की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसकी वजह से स्टूडेंट उधर की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, तो जाहिर सी बात है मूव तो करेंगे लेकिन इतने मूव नहीं करेंगे कि उसकी वजह से नंबर डाउन हो जाए, ऑलरेडी जिस रेट पे बढ़ रहा था उस रेट पे ना बढ़े, हो सकता है स्लोप थोड़ा डाउन हो जाए, लेकिन स्टूडेंट हर साल बढ़ने ही वाले हैं तो इसमें कोई नहीं है, तो कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। तो ये 2021 का आप देखेंगे कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लोएस्ट 645 पर जो एम्स जम्मू स्टूडेंट को जनरल के मिल गया था, बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो आपकी कैटेगरी है कि यहां पर 2021 में क्या रहा था, उसी तरह फिर यहां पर 2022 का अगर आप देखेंगे एम्स की कट ऑफ जो रही थी फिर से 705 हो गया, मतलब एक मार्क्स का यहां पर वेरिएशन आया 2020 से लेकर 2022 तक अगर आप देखेंगे इन तीनों साल में, और लेकिन यहां पर जो जम्मू की कट ऑफ है फिर से थोड़ी सी डाउन हुई
639 यहाँ पर 2022 में पहुँच गई। थोड़ा सा ट्रिकी जो पेपर फिर से हो गया था क्योंकि एजर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस वहाँ पर बढ़ गए थे इस वजह से। बाकी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ऊपर की तरफ कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं आया है, 705 706 इसी रेंज में अभी तक यहाँ पर चल रहा था। बाकी नीचे 7 से 8 नंबर का जो वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी अदर कैटेगरीज़ का भी यहाँ पर देखेंगे तो सेम ट्रेंड यहाँ पर चला है। फिर रिसेंट वाला नीट 2023 की बात करें तो एम्स की कट ऑफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से और ज़्यादा बढ़ गई, 605 और फिर से 705 706 और फिर से 710 यहाँ पर हो गई है एम्स दिल्ली की कट ऑफ। और एम्स बाकी अदर एम्स में अगर देखेंगे आप यहाँ पर एम्स जम्मू की कट ऑफ जो है फिर से आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर 639 के आसपास ही रही। तो नीचे की तरफ लेवल जो है सेम रहा। तो यहाँ पर अगर आप एम्स दिल्ली को लेकर टारगेट चल रहे हैं तो आपके मार्क्स जो हैं मिनिमम 710 होने चाहिए, और उसके लिए अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स 700 प्लस रह रहे हैं तब अपने आप को आप सेफ मान के चलते हैं। तो आप अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे सभी स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है और उसमें आपका अभी स्कोर क्या चल रहा है। और उसके अलावा जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अलग अलग अपडेट यहाँ पर काउंसलिंग रिलेटेड और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। बाकी अदर कैटेगरीज वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेंड जो है सभी कैटेगरीज का लगभग सेम रहा है। तो जनरल के लिए अगर आप मिनिमम 650 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपको एम्स जो है अगर पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ता भी है तब भी कोई ना कोई एम्स ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा पाने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि 710 प्लस अगर है आपको तो एम्स दिल्ली तक मिलेगा, और अगर 700 के आसपास का भी अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो अच्छे एम्स मिलने के आपके चांसेस रहेंगे। एम्स ऋषिकेश, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, ये सब एम्स के मिलने के बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। तो ये था कट ऑफ का वीडियो ताकि सभी स्टूडेंट को पता लग जाए कि अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या कट ऑफ रही थी। तो अब अगर बात की जाए 2024 के लिए, 2024 और 2025 के लिए, 2024 और 2025 तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो पेपर का लेवल तो लगभग जो अभी तक आ रहा था सेम रहने वाला है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा और उसके अकॉर्डिंग ही 1-2 मार्क्स का वेरिएशन आएगा। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल बढ़ते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा जो कंपटीशन टफ होता है तो वहाँ पर सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ आ जाता है तो 705 फिर से यहाँ पर आ सकता है और उससे लेकर के 710-715 के बीच में यहाँ पर जा सकता है अगर पेपर का लेवल और कम हो गया तो। और नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हर साल बढ़ नहीं है, एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर एम्स जम्मू और अदर एम्स की बात की जाए तो ये 650 तक आराम से जा सकता है अगर पेपर का लेवल और कम हुआ, क्योंकि नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो बढ़ती चली जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंगली देख लें जो कैटेगरी वाइज क्या क्या मार्क्स रही है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। अगर और प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।